तो कैसे हैं आप सब, आई होप बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं जेएनएम कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जेएनएम कोर्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेएनएम कोर्स करने से क्या फ़ायदा है, जेएनएम कोर्स क्या है, जेएनएम का क्या स्कोप है, जेएनएम कोर्स करके हमें कितनी सैलरी मिलती है, हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें जेएनएम होता क्या है। जेएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होती है। इसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है, इसके समय होती है 3 साल का होता है। 3 साल में आपको 6 महीने की इंटर्नशिप यानी कि ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं वहाँ से आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जेएनएम कोर्स के लिए एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यता है, हम सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो जेएनएम अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटर यानी कि प्लस टू में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री में आती है आर्ट्स या कॉमर्स, अगर ये आप चारों में से कोई भी सब्जेक्ट में आप इंटर कर चुके हैं, इंटर पास है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। कम से कम आपका इंटर में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, एडमिशन का 2 प्रोसेस है, एक तो मेरिट के बेसिस पे किया जाता है और एक एंट्रेंस के बेसिस पे करते हैं। तो जैसे आप हाई लेवल की यूनिवर्सिटी लेते हैं या कॉलेजेस लेते हैं, उसमें आप एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। और जैसे कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो बिना एंट्रेंस के यानी कि मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिला देते हैं। तो रही बात एडमिशन की, आप एडमिशन जहाँ होगा, आपको जहाँ मतलब मर्जी होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आपको करने की इच्छा होगी, तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। यह एक डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। उसके बाद हम बता दें इसका स्कोप। तो फ्रेंड्स, इसका स्कोप भरपूर है हमारे देश में। नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है, आप जहाँ पे भी जाए किसी फील्ड में भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप डिफेंस में भी काम कर सकते हैं, रेलवे में भी काम कर सकते हैं, आप एक नर्स की तरह हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। अच्छा खासा स्कोप है। अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो जेएनएम नर्सिंग कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। तो फ्रेंड्स, हम इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी मैक्सिमम अगर प्राइवेट सेक्टर में, अगर कहीं पर भी आप छोटे मोटे अस्पताल में अगर जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 20 या 30,000 से स्टार्टिंग होती है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से आप सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, अगर किसी सरकारी अस्पताल में या किसी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है, तो वहाँ पे आपका उस हिसाब से सैलरी बढ़ता है जिस हिसाब से आपका पोस्ट है। तो एक नर्सिंग बहुत ही बढ़िया कोर्स है। अगर वीडियो सही लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें एंड चैनल